हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ताशकंद। और अब हम ताशकंद से जा रहे हैं सिरदारियो हैदराबाद रीजन में, जहाँ पर हमारा प्लांट है। जहाँ पर जाके हमें वहाँ वर्क स्टार्ट करना है उज़्बेकिस्तान में। देखो, खतरनाक बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे। पूरी रोड पर बर्फ ही बर्फ है, पानी पानी हो रहा है। जहाँ पर गलती जा रही है बर्फ़ खतरनाक, जैसे टीवी में देखते हैं अपन, वैसा ही एकदम। रेड लाइट पर रुकी गाड़ी। यहाँ पे जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये देखो, अद्भुत नज़ारा, एकदम मजा आ गया भाई देख के। ये सब तो, ओ भाई साहब, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है पूरा, एकदम वाइट वाइट हो रहा है पूरा। मजा आ गया देख के। अपना रीजन स्टार्ट हो जाएगा जब जंगल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जंगल स्टार्ट हुआ, समझ जाओ सिरदारियो आ गया। कि जो सिरदारियो है का जो रीजन है, सदर अपना सदरबा, वो एकदम बोला आउटस्कर्ट है, विलेज है। वो अपना काम विलेज में, और आपको वहां पर जाके विलेज की वीडियोस भी देखने को मिलेंगे कि विलेज में लोग कैसे रहते हैं, विलेजेस के हाउसेस बाहर से। हो सका तो अंदर ले जाएंगे बाय चांस वो, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अपन जानते नहीं यहाँ पे। तो मैं ले जा पाऊँ अंदर तो ऐसा मुश्किल होगा मेरे लिए। ये है विजय सर, और ये हमारे भैया जो हमको लेके जा रहे हैं। आपको विजय सर आने वाले ब्लॉग्स में भी मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है वो, उनकी बहुत फनी कैरेक्टर है वो, और आपको हंसाते रहेंगे बार बार। एकदम अलग इंसान है वो। वाह, क्या बिल्डिंग्स हैं, एकदम स्क्वायर मॉडल में जो पहले बना करते थे उसी टाइप के आज भी शायद यहाँ पे मकान बनते हैं। देखो, ये स्टार्ट हो गया जंगल, तो ये स्टार्ट हो गया, सदर रीजन में आ चुके, भी एंटर कर चुके हैं। होप आगे की वीडियोस आपको बाद में मिलेंगे। हम आ चुके हैं अपने प्लांट के पास, और सबसे पहले हमें जाना है अपने अपार्टमेंट में जो मैं अलाट हुआ है। वहाँ जाके हम फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद प्लांट में जाएंगे। क्योंकि तो ठंड में भी बच्चे स्कूल गए, दिखा हमको अभी जाते हुए पीछे। शानदार प्लेस है, अद्भुत के नज़ारे ही अलग हैं, अलग ही फीलिंग आ रही। घूस बम सुट रहे मेरे ऊपर एकदम भयंकर वाले शरीर पे। यहाँ से शायद मैं देख, मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है शेड टाइप का, वही अपार्टमेंट होगा हमारा। यहाँ पे सारे मेरे जो हाउसेस हैं वो सेम स्ट्रक्चर में। इसके लिए यहाँ पे जो हाउसेस हैं वो गवर्नमेंट देती है ना, इस कारण से ऐसा है। ये है मशीन, ये डायरेक्ट कॉटन को काटती है और पैक करती है, फिर फील्ड में ले जाते हैं। चलो आगे की वीडियोस बाद में बनाएंगे।